सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं, कई बार ऐसा लिख के आ जाता है डिस्प्ले ड्राइवर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा लिखता है और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन दो तीन बार ब्लैक होती है और पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, फिर रिस्टार्ट होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आप तुरंत ठीक कर सकते हैं इसको सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक क्या है जिसकी मदद से हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट मेनू ओपन करनी है और रन लिखना है, फिर रन में क्लिक कर देना है। रन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हमें लिख देना है रिग एडिट, यहाँ आप सामने देख सकते हैं REGEDIT, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, फिर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर हमें क्लिक करना है HK लोकल मशीन में, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वो बना है एरो का निशान। फिर सिस्टम में क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखा है, पहले ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ किया है। और फिर इसमें क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे करेंट कंट्रोल सेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे। इसमें क्लिक करने के बाद फिर हमें कंट्रोल में क्लिक करना है, ऊपर ऑप्शन है, नीचे आपको कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रोल लिखा है। इसमें क्लिक करने के बाद फिर हम थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है, एक सेकेंड बताता हूँ, ये हमें सर्च करना है ये ग्राफिक्स ड्राइवर्स, इसमें क्लिक कर देंगे फोल्डर पे। फिर यहाँ पे हम आएंगे इधर साइड बगल में, यहाँ बगल में आने के बाद न्यू में करेंगे और फिर यहाँ पे हम GWRD32 क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। वैल्यू की में यहाँ पे हमें ये लिख देना, आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा है मैंने। फिर मॉडिफाई में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हमें लिख देना है 6, 6 लिखना है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही गेमिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। और आपके पास कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब जानते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर 6 लिखने के बाद तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, फिर ओके में क्लिक कर देना है। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर बैक करके। अब हमें करना कुछ नहीं, ओके कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आप रिस्टार्ट कर देना है कंप्यूटर, बस। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी अपने आप।